अच्छा, इस बीच ऑल इंडिया के जो नतीजे आए तो उनको लोग कह रहे हैं कि नतीजे जो हैं वो थोड़े से हल्के रह गए, फीके रह गए। क्या आपको भी निराशा है इन नतीजों से, या आपके हिसाब से सब ठीक ठाक है? तो पहली चीज तो मैं कोल इंडिया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से कोल इंडिया के रिजल्ट को खराब कह सकते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ के बाद एक फ्लैट सेल्स आई है। इतना कोई बहुत खराब नंबर नहीं है, प्रॉफिट लेवल पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो थोड़ा डेंट है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेंट है, बट ओवरऑल मुझे इसके रिजल्ट खराब नहीं लगे। हालांकि इतना जो मैं जरूर कहूँगा, कोल इंडिया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ट्रैक नहीं जी, तो क्या हिचक रहती है कोल इंडिया को लेकर आके आपकी? करता। मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक तो कोल, ऑयल, ये सब बिजनेसेस हैं, इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी ऐसी होती है, और कब कहाँ से क्या इंटरवेंशन हो जाए इसका अंदाजा थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। और मैं जो भी काम करता हूँ 5 साल के हिसाब से करता हूँ, इसलिए वो विजिबिलिटी का इशू हो जाता है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में मुझे गेल भी समझ में आया था, कोल भी समझ में आया था, लेकिन जब 5 ईयर्स व्यू देखें तो फिर क्या वो पोर्टफोलियो में रख के मैं इंतजार कर सकूंगा एग्जिट लेने का, वो डिफिकल्टी हो जाती है, इसलिए मैं इन सब में काम बिल्कुल।